गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नाउन को, जो कि नाउन की टाइप्स में से एक टाइप है कॉमन नाउन। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन का मतलब क्या है। कॉमन का मतलब होता है कोई भी आम चीज जो होगी, हम उसको बोलते हैं कॉमन, भाई ये कॉमन है, कॉमन सी चीज है। और नाउन का मतलब पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी बता रही हूँ, मैंने बताया था कि नाउन का मतलब आप समझ लें, बस नाउन है ना, तो नाम है, बस किसी भी चीज का जो है ना वो नाम है, वो नाउन है। कॉमन नाउन मतलब कि कोई आम नाम, किसी भी आम नाम की बात होगी तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। अब समझ नहीं आ रहा भाई कौन कौन से कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं, अब देखिए कोई भी चीज है, हमारे लिए कॉमन चीज कौन सी होती है, हमारे लिए कॉमन चीज वही होती है जो मतलब बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हो। वो चीज कॉमन चीज क्या होती है, मतलब कि आम चीज होती है कि हर जगह ही यूज हो रही होती है, हर चीज के लिए यूज हो रही होती है, वो क्या होती है, हमारे लिए कॉमन चीज होती है। और जो स्पेसिफिक चीज होती है वो क्या होती है, वो एक ही होती है, उस जैसे कोई चीज होती ही नहीं है, वो क्या होती है, स्पेसिफिक चीज होती है हमारी। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं है, खास नहीं है, आम ही है। कोई भी आम पर्सन होगा, प्लेस होगा, या फिर प्लेस होगी या फिर कोई चीज होगी, वो क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। अब भाई आम चीजें कौन सी है, खास कौन सी है, आइए एग्जांपल देखते हैं। बॉयज है, बॉयज क्या है, अब कैसे पता चल रहा है ये आम है, भाई बॉयज है, बॉयज ने पूरी दुनिया के बॉयज को कवर कर लिया है। बॉयज में क्या सारी दुनिया के बॉयज आ गए हैं, मतलब लड़के हैं हम, क्या ऐसे मतलब कि दाढ़ी होगी, मूछें होंगी, छोटे बाल होंगे, तो वो क्या, वो मतलब ऐसे दिखने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, हम लड़का बोलते हैं, हमने क्या उसका एक नाम रख रखा है। उसमें क्या पूरी दुनिया के बॉयज कवर हो गए, किसी एक खास लड़के का नाम नहीं लिया, बॉयज मतलब ये सबके लिए ही ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई मतलब कि ये आम, वो चीज आम हो जाती है जो बहुत सबके लिए ही इस्तेमाल हो रही होती है, वो क्या होती है, वो आम हो जाती है। इसी तरह है सिटी, अब सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिटी वर्ड क्या है, इसने सारे सिटी, जितने भी सिटी होंगे सबको कवर कर लिया है। किसी मुल्क में जितने भी सिटी हैं वो क्या है, या किसी इस दुनिया में जितने भी सिटी हैं वो उन सब सिटीज को क्या कर लिया है, कवर कर लिया इस एक वर्ड ने, सिटी ने। इसी तरह गेम है, गेम तो बहुत सी होंगी, लेकिन गेम वर्ड क्या है, ये कॉमन है, ये हर गेम के लिए यूज होता है। इस तरह बुक है, कार है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल कैसे, यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे, बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, लेकिन क्या हमने नाम क्या रखा हुआ है, यूट्यूब चैनल, मतलब एक वर्ड से ही हम उसको डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह टीचर, टीचर बहुत से हैं, लेकिन क्या बोलते हैं हम टीचर, हमने एक नाम रखा हुआ है, बस सब टीचर, इसमें सब टीचर आ जाते हैं। इसी तरह स्कूल है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बहुत सी कंपनीज है मोबाइल फोन्स की, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक नाम रखा हुआ है मोबाइल फोन, इससे पता चल जाता है भाई ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी दिखने वाली, और उसको हमने क्या बोला है, मोबाइल फोन है ये, हम शॉर्टली उसको बोल देते हैं मोबाइल फोन। इसी तरह गर्ल्स है, गर्ल्स में सारी दुनिया की गर्ल्स कवर हो गई हैं, भाई लड़कियां हैं। ओके गाइज, एक और पॉइंट है यहाँ पे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड्स ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसमें कि इसका मतलब है कि हमने सेंटेंस, अगर ये वर्ड कॉमन नाउन जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल बॉयज है, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पे आ गया है, तो हमने क्या करना है, इसका जो पहला पहला जो वर्ड है, लेटर है, इसको हमने क्या करना है, कैपिटल लिखना है, इसको हमने बड़ा लिखना है। अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो, अगर बीच में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको छोटा भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। ओके गाइज, तो ये था आज के हमारी इस वीडियो में, हमने कॉमन नाउन को समझा। अगली आने वाली वीडियोस में हमने स्टेप बाय स्टेप सारी नाउन की टाइप्स को भी समझना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, फिर भी इसके बाद भी, समझाने के बाद भी कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। ओके गाइज।